hello my dear children this is shikha aurora and today we are going to start with class 7 science chapter number 2 that is nutrition in animals so let's begin the chapter the main aim of this chapter includes steps of nutrition in animals organs associated with digestive system of human beings role of various organs in human digestive system nutrition in ruminants now have a look on warm-up इन द प्रीवियस क्लास वी studied द डिफरेंट components ऑफ फूड नाउ फिल इन द मिसिंग information टू complete द टेबल given बिलो सो so here वी हैव components ऑफ फूड which इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स proteins, vitamins एंड मिनरल्स तो इन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फ़ूड की कैटेगरी में रखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या है किस किस चीज़ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं ये हमें राइस से मिलते हैं वीट से मिलते हैं देन फंक्शन क्या है इनका कि ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं देन वी हैव फैट्स फैट इज़ अगेन एन एनर्जी गिविंग फूड जो हमें एग योग कैशिनट्स एंड आलमंड से मिलते हैं और फैट्स का मेन फंक्शन क्या है ये एनर्जी तो बॉडी को प्रोवाइड करते ही हैं ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी शॉक से बचाते हैं दे एक्ट एज अ क्वेश्चन अगेंस्ट द ऑर्गन्स फिर आते हैं प्रोटीन्स प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड जैसे कि मिल्क एग्स ऐसी चीज मीट इनको हम इंक्लूड करते हैं प्रोटीन्स में एंड दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आर बॉडी टिश्यूज़ देन वी हैव विटामिन्स विटामिन्स क्या हैं ये एक है प्रोटेक्टिव फूड है जो हमें स्पिनेट स्ट्रॉबेरी से मिलते हैं एंड दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी देन वी हैव मिनरल्स मिनरल्स भी प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में आते हैं जो हमें मिलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल से फ्रूट से और ये भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने में हेल्प करते हैं इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर वेरियस प्रोसेस सच एज ग्रोथ रिपेयर रिप्रोडक्शन एंड अदर बॉडिली फंक्शंस प्लान प्रिपेयर देअर ओन फूड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिथिसिस एंड हैंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स वहीं पर जानवर जो हैं वो अपना फूड नहीं बना सकते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं फॉर देअर फूड इसी लिए हम उन्हें हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं यू नो दैट फूड कंटेन्स डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स रफ एज विच आर कॉल्ड एज न्यूट्रिय दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो चिल्ड्रन आप जो खाना खाते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है प्रोटीन्स भी होता है फैट्स भी होता है लेकिन वो किस फॉर्म में होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और हमारी जो बॉडी है वो उसे एज सच ही यूटिलाइज नहीं कर सकती टू तो रिलीज एनर्जी तो हमारी बॉडी को उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना होता है तभी जाकर एनर्जी जो है वो रिलीज आउट होती है

डाइजेशन अब्जॉर्बशन असिमुलेशन एंड इजेशन अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है अमीबा एक यूनि ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है वही सेल सारे के सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप इट इज फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेज तो एक गंदे पानी में हमें ज़्यादातर मिलता है एंड अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप दैट कंसिस्ट ऑफ सेल मेमब्रेन अ न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन अमीबा वेन इट सेंसेज फूड इट एक्सटेंड्स वन ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल सूडोपोडिया टू एंगल द फूड पार्टिकल्स टू पुश डेम इनसाइड द बॉडी अमीबा हैज़ नो माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम भाई उसके पास सिर्फ एक ही सेल है वही सेल सारे के सारे काम करेगा अगर आप अमीबा की बॉडी देखो तो वो बहुत ही इरेगुलर होती है इट्स लाइक like, ये होती है अमीबा की बॉडी तो फॉर एग्जाम्पल इसने फूड देखा यहाँ पर अब इसको इस फूड को एनगल्फ करना है तो ये क्या करेगा ये अपने फॉल्स फीट इन्हें हम बोलेंगे फॉल्स फीट फॉल्स फीट्स को हम बोलते हैं सूडो सूडो कोडिया पोडिया को ये एक्सटेंड करता है तो इन्हें ये एक्सटेंड करता है लंबा कर लेता है और इस फूड को ये सराउंड कर लेता है फिर ये फूड जो है इसकी बॉडी के अंदर मूव करता है जहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं इस फूड को वो डाइजेस्ट करते हैं और अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी तो ये जो ये एक्सटेंड करता है इसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया फॉल्स फीट फूड पार्टिकल्स टेकन इन साइड बॉडी फॉर्म अ फूड वैक्यूल डाइजेशन अकर्स डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रिएटेड इन द फूड वैक्यूल ब्रेकिंग डाउन द फूड तो आप देख सकते हो ये है अमीबा इसने फूड को सेंस किया इसने अपने फॉल्स वीट जिन्हें हम बोलेंगे सूडोपोडिया इसको एक्सटेंड करना शुरू कर दिया एक्सटेंड करके इसने एक वैक्योल बना लिया अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर डायजेस्टिड जूसेस सिक्रीट होते हैं इसका डाइजेशन हो जाता है और फिर जो जो फूड के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो सब अब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसके बाद बॉडी में वो असीमुलेट हो जाता है जहाँ पे जिसकी जरूरत है वो वहाँ पहुँचा दिया जाता है और अनडाइजेस्टिव फूड जो है वो बाहर इंजेक्शन के थ्रू फेंक दिया जाता है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा सबसे पहला स्टेप क्या आएगा बच्चों सबसे पहला है इंजेक्शन इंजेशन मतलब खाने को बॉडी के अंदर लेना द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन वेरियस एनिमल्स हैिफरेंट ऑर्गन ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड जैसे कि अमीबा अमीबा कैप्चर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एंड एक्टिक एनिमल लाइक हाइड्रा हैजेंटिकल्स टू कैच इट स्प्रे अब इसके बाद आता है डाइजेशन जो फूड आपने अंदर लिया है जो मुँह के अंदर गया उसके अंदर जितना भी कॉम्प्लेक्स मटीरियल है उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉलेबल सब्सटेंसेज दैट कैन नॉट बी अब्जॉर्ब बाय एनिमल बॉडी इन दिस फॉर्म डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल इंटू सिंपलर सॉलेबल सब्सटेंसेज विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस बाय द बॉडी फिर आता है अब्जॉर्बशन अब जो खाना डाइजेस्ट कर लिया गया है सिंपल फॉर्म में वो अब सिंपल फॉर्म में बन गया है अब इसे अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि इसको हम यूज़ कर सकें आगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी देन इज असिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग अब्जॉर्ब्ड फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज असिमिलेशन. दिस एनर्जी इज यूज फॉर ग्रोथ रिप्रोडक्शन रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज और लास्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है इजेशन जिसमें अनवांटेड और अनब्रोकन मटेरियल जो है जो बॉडी को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं करना वो सारा का सारा मटेरियल बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है दिस इज द प्रोसेस बाय विच मटेरियल फ्रॉम द फूड दैट आर नॉट डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब बाय द बॉडी आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी नाउ लुक एट द ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रेन फर्स्ट इज इन द ब्लैंक्स टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो न्यूट्रिशन कौन कौन से टाइप का हो सकता है इट कैन बी पैरासिटिक हमने कल पैरासिटिक पढ़ा था पैरासिटिक हो सकता है और कौन सा हो सकता है सेप्रोफिटिक भी हो सकता है सिम्बायोटिक भी हो सकता है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन amoeba captures the food with the help of pseudopodia pseudopodia the process of utilizing absorbed food to release energy is called assimilation like this you are going to complete the track your progress nutrition in hydra children hydra jo hai ये एक मल्टी सेलर एनिमल है जो हमें पानी में मिलता है अगर आप हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखो तो इसके मास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इट हैज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ और ये टेंटिकल सब्सटेंसेस जो है यहाँ पर स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं प्रे की बॉडी में द हाइड्रा कैच इट्स विद द हेल्प ऑफ दिस टेंटिकल्स टेंटिकल्स एक्ट नॉट ओनली लाइक लिम्स टू कैच द प्रे ये प्रे को पकड़ने का काम तो करते ही हैं इनके अंदर जो स्टिंगकिंग सेल्स होते हैं वो स्टिंग करते हैं इस प्रे को और उसकी बॉडी में पॉइजन को रिलीज कर देते हैं ताकि प्रे की डेथ हो जाए और ये इजिली उसको एनगल्फ कर सके दे ऑल्सो कंसेंस सम स्टिंगिंग सेल्स ऑन दैम द स्टिंगिंग सेल्स किल द प्रे बाय पॉइजनस सिक्रिशंस फर्दर द टेंटिकल्स ब्रिंग द डेड प्रे अप टू द माउथ ऑफ द हाइड्रा फ्रॉम द माउ द फूड गोज इन साइड द बॉडी कैविटी वेयर इट इज डाइजेस्टेड अब्जॉर्ब्डेड एंड इजेटेड न्यूट्रिशन इन समर एनिमल्स अगर हम पैरामेशियम की बात करें बच्चों तो पैरामेशियम भी एक यूनीलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको गंदे पानी में ही मिलता है इट हैज अलीपर शेप्ड बॉडी इसकी शेप जो है हमारी स्लिपर की तरह होती है और इसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं सीलिया यही वो सीलिया है जो मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से फूड जो है इट इज इनसाइड द वैक्यूल अनादर ऑर्गेनिज्म द पैरामीशियम हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर ओवर द सर्फेस ऑफ इट्स बॉडी सीलिया पुश द फूड पार्टिकल्स टूवर्ड्स ओपनिंग ऑफ द माउथ ऑफ द पैरामेशियम इट इज इंजेस्टेड absorbed and assimilated within the cell body. Some insects feed on liquid diet like butterflies. A butterflies अगर आप देखो तो butterflies किस पे feed करती हैं ये feed करती हैं नेक्टर पे Flowers के नेक्टर को ये सक करती हैं या अगर आप मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो क्या करता है इट सक्स द ब्लड फ्रॉम द एनिमल बॉडी तो इनके पास ब्लड सक करने के लिए या नेक्टर सक करने के लिए स्पेशल सकिंग ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोबोसिस तो इसी प्रोबोसिस के थ्रू ये फूड को सक करती हैं फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं एंड बाकी के जो डाइजेशन के प्रोसेस हैं उसको कंप्लीट करते हैं सम इंसेक्ट्स फीड ऑन लिक्विड डाइट लाइक बटरफ्लाइज विच फेड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स और मस्कीटोज विच फीड ऑन ब्लड दे हैव सक्शन ट्यूब्स तो इनके पास सकिंग के लिए ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं विच इज यूज टू पियर्स द बॉडी ऑफ फूड सोर्स एंड सक अपड फ्रॉम इट बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक स्ट्रॉ लेकर अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हो ऐसे ही इनके पास भी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जिसको बोला जाता है इसी के थ्रू ये सक करते हैं एंड देन दे कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अ फ्रॉग हैज लॉन्ग स्टिकी टंग अगर आप फ्रॉक को देखो तो फ्रॉक की जो टंग होती है वो बहुत लॉन्ग होती है स्टिकी होती है एंड फ्लैक्सीबल होती है जहाँ इसको अपना प्रे दिखाई देता है ये फटाफट से अपनी टंग को थ्रो करता है और क्योंकि इसकी टंग के ऊपर म्यूकस है स्टिकी है वो तो प्रे जो है उसके ऊपर चिपक जाता है एंड देन इट रोल्स डाउन इट अपने मुंह में तो जैसे ही उसके मुंह में जाता है तो प्रे जो है वहां पर जाकर उसका फिर डाइजेशन जो है वो बिघिन हो जाता है अफ्रोग हैज लॉन्ग स्टिकी टांग इट कैचेज इट स्प्रे बाई यूजिंग इट

फिर स्पाइडर क्या करता है इनके ऊपर डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करता है इनको लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है एंड द न्यूट्रिय बॉडी द प्रे ऑफ द स्पाइडर इज ट्रैप्ड इन इट्स इट्स वेब देन इज डाइजेस्टेड डाइजेस्टिव इंजेक्टेड बाय द फैंस ऑफ स्पाइडर ऑन इट्स बॉडी देन इट्स सक आउट इथ लिक्विफाइड इंटरनल टिश्यूज हार्ड बॉडी पार्ट्स लेफ्ट बिहाइंड तो आपने देखा होगा कभी कभी कोई हाउस फ्लाई है जो इसके वेब में फंस जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर जितना भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसके ऊपर तो ये डाइजेस्टिड जूस सिक्रीट कर देता है लिक्विफाइड फॉर्म में ले आता है उसको और उसको सक कर लेता है लेकिन जो उसके हार्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एज इट इज वेब में रह जाते हैं विकीपीडिया इंजेक्शन ऑफ फूड इन स्टार फिश इज डन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे इट्स ट्यू फुट कैचेज इट्स इट स्टमक कम्स आउट ऑफ इट्स माउथ एंड एंड सर्कल्स द ट्रैप्ड प्रे

Assimilation and lastly, Ejection. Name the structure that amoeba uses to catch its prey. So, what use, use? karta hai Pseudopodia. What are tentacles? Tentacles are the finger-like projections which have stinking cells and help in bringing the prey to the mouth of Hydra. What is proboscis? Proboscis is the feeding tube present in various insects like butterflies, mosquitoes, etc. वॉट कैन अ फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा बी कम्पेयर विद इट कैन बी कम्पेयर टू द डायजेस्टिव ट्रैक्ट क्योंकि वहीं पर सारा डाइजेशन हो रहा है वहीं से अब्जॉर्बन भी हो रहा है असीमुलेशन भी हो रहा है और लास्टली इजेशन भी हो रहा है नाउ चिल्ड्रन डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स तो आप देखिए कि आप जो खाना खाते हो वो कैसा होता है आप राजमा चावल खाते हो पिज्ज़ा खाते हो दाल चावल खाते हो रोटी खाते हो तो फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं फैट्स होता है प्रोटीन्स होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं हमारे खाने में लेकिन क्या है कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं इनसे एज सच एनर्जी रिलीज़ नहीं की जा सकती इसीलिए इन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस तभी जाकर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और यही काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो करता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस द ह्यूमन बॉडी कैन यूज दिस सब्सटेंसेस ओनली इफ दे आर कन्वर्टेड इन सिंपलर सब्सटेंसेस ना आप देख सकते हो ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है डाइजेशन हमेशा माउथ से स्टार्ट होती है माउथ में हमारा डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो शुगर कंपाउंड होते हैं शुगर्स का स्टार्च का डाइजेशन जो है ये हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आपके मुंह में एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम से करता है सलाइवरी अमाइलेज जो कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक करने का काम करता है

ऑल द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन फॉर्म एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक तो जो हम हमारा माउथ से स्टार्ट होता है एनस पे जाके जो एंड होता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक तो इसमें क्या क्या है माउथ सलाइवरी ग्लैंड ईसोफेगस स्टमक लीवर पैंक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ये सब मिलके बनाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो आइए अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं तो फर्स्ट इज योर माउथ माउथ को ही हम बकल कैविटी बोलते हैं चिल्ड्रन मैंने अभी आपको बताया कि हमारे माउथ से ही फूड का डाइजेशन जो है वो बिगन हो जाता है जो स्टार्च है उसका जो डाइजेशन है वो माउथ में ही कंप्लीट हो जाता है बाय द यूज ऑफ सलाइवरीज वंस द फूड इज इंजेस्टेड इन द माउथ द टीथ इन कैविटी कट द फूड इन टू स्मॉलर पीसेज सबसे पहले जो आपका फूड है बाइट लेते हो बाइट किससे लेते हो आप अपने टीथ से लेते हो वटिंग एंड ग्राइंडिंग कंटिन्यूज द फूड गेट मिक्स विद वाटरी सब्सटेंसाइवा टू फॉर्म अप पेस्ट सलाइवा इज सलाइवरी जूस सिक्रीटेड इंटू द माउथ फ्राम सलाइवरी ग्लैड इट इज़ एल्कलाइन डाइजेस्टिव जूस विद न्यूकिस दैट पार्टली कन्वर्ट स्टार्च इंटू शुगर तो हमने यहाँ क्या देखा कि स्टार्च का जो डाइजेशन है वो माउथ में ही कम्प्लीट हो जाता है सलाइवा ऑल्सो मेक्स फूड सॉफ्ट तो अब ये सलाइवा क्या करता है ये हमारे खाने को सॉफ्ट कर देता है ताकि वो ईजिली हमारे ईसोफेग से होते हुए आ, हमारे स्टमक में पहुँचाया जा सके एंड स्लिपरी सो दैट इट कैन ईजली बी स्वॉलोड द टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर अब आपने देखा है आपके माउथ में टंग भी है भाई मम्मी ने एक तरफ बनाए राजमा चावल और एक तरफ मम्मी ने रख दिए करेले की सब्जी क्या पसंद करोगे किसकी खुशबू अच्छी लगेगी खुशबू आई स्मेल आई मुंह में पानी आ गया क्योंकि हमें पता है राजमा चावल कैसे है टेस्टी है क्यों है टेस्टी क्योंकि हमारी टंग के ऊपर लोकेटेड होते हैं टेस्ट बर्ड्स ये टेस्ट बर्ड्स हमें बताते हैं कि जो खाना हम खा रहे हैं वो कैसे टेस्ट का है स्वीट है सॉल्टी है या बिटर है सार है ये सारे के सारे टेस्ट बर्ड्स जो है ये हमारे टंग पे लोकेटेड होते हैं इट हेल्प्स टू टेस्ट द फूड टर्न्स एंड फूड विद सलाइवा एंड पुश इट इट डाउन टुवर्ड्स द टीथ इन द माउथ द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड विद सलाइवा इन द माउथ इज कॉल्ड एज मैस्टिकेशन तो आप सबसे पहले क्या करते हो आप बाइट लेते हो उसके बाद फूड आपका सलाइवा से मिक्स होता है आपकी टंग आपको हेल्प करती है कि टेस्ट कैसा है उसके बाद टंग ही हमारी जो है ये खाने को मिक्स करती है सलाइवा के साथ एंड इट पुशेज इट्स टूवर्ड्स द टीथ सो दैट हम उसको अच्छे से मिक्स कर सके ग्राइंड कर सके और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन नाउ हैव है लुक एट एक्टिविटी चिल्ड्रेन टू शो दैट सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इंटू शुगर तो इसके लिए हमें क्या चाहिए इसके लिए हमें बॉइल्ड राइस चाहिए आयोडीन ड्रॉपर टू टेस्ट ट्यूब्स एंड वाटर तो अब आप क्या करोगे च्यू सम बॉइल्ड राइस ट्रॉफली एंड मिक्स इट विध टू एम एल ऑफ़ वाटर तो आप थोड़े से चावल लोगे और उसे अपने माउथ में अच्छे से च्यू करोगे और टू एम एल वाटर के साथ मिला के आप उसको एक टेस्ट ट्यूब बी में डाल दोगे नाउ टेक सम प्लेन बॉयल्ड राइस इन अनादर टेस्ट ट्यूब मिक्स इट विध टू एम एल ऑफ़ वाटर उसके अंदर भी आप पानी डाल दो एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन टू ई टेस्ट ट्यूब तो आप क्या देखोगे कि जो आयोडीन होती है ना आयोडीन स्टार्च के साथ मिलकर एक शॉर्ट शॉर्ट टेस्ट देती है ब्लू ब्लैक कलर का अगर स्टार्च हमारे फूड में प्रेजेंट है तो वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देगा द ब्लू ब्लैक कलर ऑफ द स्टार्च विद आयोडीन इज सीन ओनली इन टेस्ट ट्यूब ए बट नॉट इन टेस्ट ट्यूब बी तो हम क्या देखते हैं कि ब्लू ब्लैक कलर हमें टेस्ट ट्यूब ए में मिलता है लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में नहीं आता है आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च सो वॉट डज द अबव एक्सपेरिमेंट इंडिकेट तो इससे हमें पता चला कि टेस्ट ट्यूब बी के अंदर तो स्टार्च है ही नहीं क्यों क्योंकि उसे आपने च्यू किया था आपने उसे अपने सलाइवा के साथ मिक्स किया था जिसमें एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस था उसने स्टार्च का डाइजेशन कर दिया उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया इसीलिए यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया लेकिन वहीं बॉइल्ड राइस के अंदर अभी भी स्टार्च प्रेजेंट था इसीलिए उसने वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर दे दिया ह्यूमन टीथ चिल्ड्रेन ह्यूमन टीथ ह्यूमन बींग्स हैट्स ऑफ टीथ हमारे पूरे जीवन काल में हमारे पास दो टाइप के टीथ्स होते हैं एक होते हैं टेम्प्ररी टीथ जिनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट टीथ मिल्क टीथ मिल्क टीथ आर अ सेट ऑफ ट्वेंटी टीथ विच ग्रो डूरिंग आर इन्फेंसी एंड फॉल ऑफ बाई द एज ऑफ सिक्स टू एट ईयर्स तो जो मिल्क टीथ है जब हम बच्चे छोटा होता है तब उसकी बॉडी में डेवलप होने शुरू होते हैं और जब तक कि वो सिक्स और या एट इयर्स तक का होता है तब तक ये फॉल ऑफ हो जाते हैं दीज टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड न्यूट्रिशन बाय परमिटिंग चिल्ड्रन टू च्यू फूड प्रॉपरली तो इन्हीं के थ्रू बच्चा च्यू करना सीखता है और च्यू अच्छे से फूड को कर पाता है एंड ऑल्सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीच डेवलपमेंट देन वी हैव परमानेंट टीथ So, दात जो है हम कहते हैं दाँट टूट गया उसकी जगह पे नए टीथ आते हैं और उन टीथ को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ बाय द एज ऑफ ट्वेल्व अर्मां सेट ऑफ थर्टी टू टीथ अब यहां देखो मिल्क टीथ तो थे ट्वेंटी लेकिन जो परमानेंट टीथ है वो कितने हैं वो है थर्टी टू

दोनों में ही सिक्सटीन सिक्सटीन टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं दे आर रूटेड इन गम्स विद इन सेपरेट सॉकेट्स और टीथ इज प्रोटेक्टेड बाई हार्ड वाइट कवरिंग कॉल्ड एज ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि हमारे टीथ के आउटर कवरिंग को बनाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज इनैमल द फ्रंट फोर टीथ बच्चों जो सबसे पहले चार दांत आपके ऊपर के जॉ में और नीचे के जॉ में होते हैं इनको हम बोलते हैं इन ये इन जो है ये हमें हेल्प करते हैं बाइट करने में फूड को इजीली uh, काटने में हमें ये हेल्प करते हैं कनाइंस इसके बाद आते हैं दो दो कनाइंस प्रेजेंट होते हैं जो कि ईदर साइड ऑफ द इनसाइजर्स प्रेजेंट होते हैं कनाइंस आर वन ईच ऑन ईदर साइड जैसे कि अगर आप टाइगर का माउथ देखें तो टाइगर के माउथ में आपको कनाइंस बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं उनके कनाइंस जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं क्यों क्योंकि उनको टीयर करना होता है फ्लैश को इसीलिए दे हेल्प इन द टिंग ऑफ द फूड वी ईट कनाइंस आर वन ईच ऑन ईदर साइड ऑफ द इन दे आर वेरी शार्प एंड हेल्प इन टीयरिंग द फूड इसके बाद आते हैं हमारे प्रीमोलर्स प्रीमोलर्स च्यूइंग के काम आते हैं फूड को ग्राइंड करने के काम आते हैं प्री मोलर्स आर बिहाइंड द कनाइंस टू इन नंबर ऑन ईदर साइड ऑफ ईच जॉ मतलब कि ये टोटल चार होते हैं एक जॉ में मतलब इनका टोटल नंबर हुआ एट इन योर माउथ दो एक साइड में दो एक साइड में मतलब चार अपर जॉ में और चार लोअर जॉ में प्रेजेंट होंगे देर इन नंबर ऑन ईदर साइड ऑफ द प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग है उसके बाद आते हैं हमारे मोलर्स जो कि सिक्स होते हैं और सिक्स एक साइड में सिक्स दूसरे साइड में इन वन जॉ सो ये कैसे होते हैं इनका जो सरफेस होता है ये और भी ज्यादा ब्रॉड होता है क्योंकि इनको फूड की अच्छे से ग्राइंडिंग करनी होती है सो यू कैन सी हियर यू हैव इन फिर उसके बाद आते हमारे दो कनाइंस कनाइंस के बाद दो प्री मोलर्स इस साइड दो प्री मोलर्स इस साइड एंड देन यू हैव थ्री मोलर्स हियर थ्री मोलर्स हियर तो सिक्स टोटल क्या हुआ आठ और ये किस लिए यूज होते हैं फॉर द कटिंग ऑफ द फूड मटीरियल वी है दो अपर जॉ में होते हैं और दो लोअर जॉ में होते हैं टोटल नंबर इज फोर और दे आर यूज फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग ऑफ द फूड देन यू हैव प्री मोलर्स प्री मोलर्स का चार नंबर होता है चार लोअर जॉ में और चार ही अपर जॉ में होते हैं तो टोटल नंबर इज एट और ये च्यूइंग ऑफ फूड में हेल्पफुल होते हैं देन यू हैव मोलर्स मोलर्स सिक्स होते हैं लोअर जॉ में और सिक्स ही होते हैं अपर जॉ में टोटल मेकिंग ऑफ ट्वेल्व और ये भी क्या काम करते हैं हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड और जब हम इस नंबर को टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल दांत कितने आते हैं थर्टी टू टीस नाउ ईसोफेगस भाई माउथ में आपने देखा कि स्टार्च का डाइजेशन हो गया है वहाँ पे फूड को सॉफ्ट बना लिया गया है बाय मिक्सिंग इट विथ स्लाइवा टंग उसको पुश करती है ताकि वो मूव करे थ्रू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ईसोफेगस ईसोफेगस के अंदर बच्चों कोई टाइप का डाइजेस्टिव जूस नहीं प्रेजेंट होता है इसीलिए यहाँ पर कोई डायजेशन नहीं होगा इट्स सिंपली एक्ट्स एज अ पैसेज फ्रॉम माउथ टू स्टमक सिर्फ खाने को माउथ से स्टमक में पहुंचाने का काम करती है इसोफेगस अब इसोफेगस में जो खाना है ये कैसे मूव करेगा इट मूव्स इन अ वेव लाइक मोशन मतलब कांस्टेंट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है इस ट्यूब का जिसकी वजह से खाना जो है वो नीचे की तरफ पहुंचता है इन अ वेव लाइक मोशन एंड दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस फ्रॉम आउट द फूड इज पुश्ड डाउन इनटू द नेक्स्ट organ कॉल्ड द फूड पाइप और इसोफेगस

अब स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन ये एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल द स्टमक स्टोर्स फूड डाइजेस्टेड बाय सीटिंग गैस्ट्रिक जूसेस थ्रू मस्कुलर चर्निंग अब यहाँ पर खाने की अच्छे से चर्निंग होती है यू नो चिल्ड्रन हमारे स्टमक में एक एसिड भी प्रेजेंट होता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है अगर हमारे पेट से हाथ पे ला डाल दिया जाए ना तो हमारा हाथ जल जाएगा लेकिन फिर भी हमारे स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुँचता ऐसा क्यों क्योंकि हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है वो म्यूकस से बनी है एंड दिस म्यूकस प्रोटेक्ट्स द अदर पार्ट्स फ्रॉम दिस एसिड और ये एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे फूड के डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूसेज इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन तो अब आप क्या देखते हो कि हमारे जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो गया वो स्टार्ट हो गया है स्टमक में अब यहाँ पर प्रोटीन्स को ब्रेक किया जाएगा सिंपल सब्सटेंसेस में यानी कि अमीनो एसिड्स में प्रोटीन का ब्रेक डाउन में होगा अमीनो एसिड्स में द एसिड किल्स एनी बैक्टीरिया दैट कम अलॉन्ग विद द फूड स्टमक हैज इनर लाइनिंग कॉल म्यूकोसा यही वो लाइनिंग है जो म्यूकस सिक्रीट करती है और हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड इन द स्टमक द फाइनल एंड कंप्लीट डाइजेस्ट ऑफ फूड जो है वो कहाँ टेक प्लेस करेगा वो टेक प्लेस करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में नाउ है लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रेन डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन दस टेलमी यू ऑल नो दाउ इन Mouth. Dash is the salivary juice secreted by the mouth from the salivary gland. It is saliva. An adult human has 32 permanent teeth. The hard white covering that protects our teeth is called enamel. नाउ स्मॉल इंटस्टाइन चिल्ड्रेन जब फूड स्टमक से निकलता है तो वो पहुँचाया जाता है स्मॉल इंटस्टाइन में अब स्मॉल इंटस्टाइन एज अ नेम इंडिकेट बहुत छोटी होनी चाहिए लेकिन ये सबसे लंबा पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का तो इट इज़ अबाउट ट्वेंटी टू फीट लॉन्ग एंड एज वाइड एज आवर मिडल फिंगर तो इतनी लंबी होती है लेकिन ये क्या होती है ये सुपरली कॉइल्ड होती है इसीलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं वाइंडिंग यू शेप ट्यूब बिलो इट इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस हेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट ट्वेंटी टू फीट लॉन्ग एंड अबाउट एज अ वाइड एज अ अडल फिंगर द मसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स फूड विद मोर डाइजेस्टिव जूसेज अब ये जूसेस कहाँ से आ रहे हैं ये जूसेज आ रहे हैं हमारे लीवर से लीवर क्या सिक्रीट करता है बच्चों लीवर सिक्रीट करता है एक डाइजेस्टिव जूस जिसको हम बोलते हैं बाइल बाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स फैट के मॉलिक्यूल को ये सिंपल फैटी एसिड्स में ब्रेक करता है ग्लिसरोल में ब्रेक कर देता है ताकि वो बॉडी से इजीली अब्जॉर्ब किए जा सके सिमिलरली पैंक्रियाटिक जूसेस आते हैं जो कि पैंक्रियाज सिक्रीट करता है जो कि फर्दर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस को लेकर आता है सम जूसेज आर सिक्रीटेड बाय द सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इट सेल्फ अदर कम्स फ्रॉम लीवर विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड पैंक्रियाज विच आर लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक तो ये दोनों ही ऑर्गन्स अपनी सिक्रीशन्स जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर करते हैं बाइल जूस जो लीवर से सिक्रीट होता है और एक्स्ट्रा बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है लीवर जूस इज इन गॉल ब्लैडर बाइल ईजिली डाइजेस्टिव जूसेस टू फॉर्म सिंपल कंपाउंड नोन एज फैटीरोल पेंक्रिया सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस जो कि स्टार्च को अगर कोई थोड़ा बहुत भी पड़ा है तो उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में एंड को भी ये ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड अमीनो एसिड्स फिर इसके बाद खाना जो है वो पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में द अनडाइजेस्टिव फूड जो अभी भी अब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में और यहाँ पर कुछ उसमें अगर वाटर का कंटेंट प्रेजेंट है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसे वो अब्ज़ॉर्ब कर लेगी और लेकिन इसके आगे जो फूड चल रहा है वो टोटली totally अनरिक्वायर्ड है अनवांटेड मटेरियल है बॉडी के जिसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वही फूड आगे लार्ज इंटेस्टाइन में मूव होता है द अनडाइजेस्टिव फूड दैट रिमेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पासेज इं द लार्ज इंटेस्टाइन हेयर सम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन रिमेनिंग फूड इज पास टू द रेक्टम एंड देन एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस द लेंथ ऑफ लार्ज इंटस्टाइन इज वन पॉइंट फाइव मीटर्स इन ह्यूमन बींग्स डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल इसीलिए इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन रैक्टम एंड एनस चिल्ड्रेन जो खाना बॉडी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अनवॉन्टिड है अनडाइजेस्टिड है वो पास किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जहाँ वो एज अ सेमी सॉलिड मटीरियल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फीशेज उसके बाद ये फीकल मैटर जो है ये बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है थ्रू द एनस एंड दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ एजेशन। तो आप क्या देखते हो द फीकल मैटर इज पास आउट थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एज एनस एंड दस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रेन डैश सिक्रीट बाइल जूस बताओ कौन सिक्रीट करता है बाइल जूस इट इज योर लीवर द ऑर्गन दैट स्टोर बाइल जूस बाइल जूस जो एक्स्ट्रा होता है के थ्रू वो स्टोर किया जाता है वो स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में द वेवी मूवमेंट दैट कुशिज द फूड इन टू द नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड पेरिस्टैल्सिस

ह्यूमन डाइजेस्टि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सेल्यूलोस हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो स्पेशल ऑर्गन ही नहीं होता जो सेल्यूलोस को डाइजेस्ट कर सके लेकिन अगर आप काओ की बात करो गोट की बात करो डियर करो जितने भी हर्बी हैं इन सब के अंदर ग्रास को ग्रास के अंदर जो सेल्युलस है उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है इसीलिए इनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काओ शीप गोट एंड बफलो सेल्यूलोस इज डाइजेस्टेड बाई यूनिक अ अकाओ स्वेलोज इट्स फूज आफ्टर छूइंग इट वंस एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड एज र्यूमन आपने देखा होगा गाय जल्दी जल्दी से घास खा लेती है और उसे अपनी बॉडी में स्टोर कर लेती है इन इट्स स्टमक विच उसको हम बोलते हैं र्यूमन उसके बाद वो आराम से वापस से उस फूड को अपने मुंह में लेकर आती है और उसे अच्छे से च्यू करती है फॉर इट्स कंप्लीट डाइजेशन हेयर द फूड इज तो आप देख सकते हो सबसे पहले फूड कहाँ गया फूड गया माउथ में यहाँ पे टीथ है टंग है सलाइवा है एंड टाइलिन डाइजेस्ट द स्टार्च फिर से फूड गया स्टमक में गया एच है म्यूकस है पेप्सिन है देन स्मॉल इंटेस्टाइन में आया स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूसेस थे पैंक्रियाटिक जूसेस थे और साथ में क्या था बाइल था जो कि हेल्प करता है इमालसिफिकेशन ऑफ फैट में उसके बाद फूड जो है ये अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो फूड रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है जहाँ पे वाटर का ऑब्जॉर्बेशन किया जाता है फिर ये भेज दिया जाता है रेक्टम में और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू ये बाहर बॉडी के फेंक दिया जाता है तो हम बात कर रहे थे रूमिनंट्स की चिल्ड्रन रूमिनेंट्स क्या करते हैं कि बाद में उन्होंने खाना खा लिया उसके बाद वो वापस से उसे अपने माउथ में लेकर आते हैं जिसे हम बोलते हैं कड इन स्मॉल लम्स एंड च्यू इट प्रॉपरली द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कड इज कॉल्ड एज रूमिनेशन एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कड मिक्स विद सलाइवा अच्छे से उसको सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं और उसको च्यू करके वापस से स्टमक में वो भेज देते हैं इट इज़ देन डाइजेस्टिव फर्दर बाय अदर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम तो अगर आप स्टमक देखो रूमिनंट्स का जो स्टमक होता है वो चार चेंबर्स में डिवाइड होता है उसमें चार पार्ट्स होते हैं क्या क्या होते हैं रूमन रेटिकुलम ओमेसम एंड एबोमेसम तो चिल्ड्रन हैव अ लुक ऑन क्लिकीपीडिया एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन इज कन्वर्टेड इन टू कंपाउंड कॉल्ड ग्लाइकोजन दिस कन्वर्जन इज रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन कॉल्ड इंसुलिन Glycogen is stored in the liver. Have a look on keywords and explanation. Ingestion, the process of intake of food. Digestion, the process of breaking complex food into simple and soluble substances. Absorption, the process of passing of soluble form of food into body fluids. Assimilation, the process of utilization of nutrients in the body by the cells of the bo body. Ejection, expulsion of waste from the body pseudopodia finger like projections of amoeba that help it to move and engulf food liver the largest gland in the body that secretes bile juice ruminants animals that chew the cud or regurgitate swallowed food now children let's begin the review zone first is tick the correct option the first question says in which of the following organs no digestion take place तो कौन सा है वो ऑर्गन जहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होती है वो है ईसोफेगिस तो आप ईसोफेगस पे टिक करेंगे विच तो में इन हेल्प करता है वैक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ टीथ तो यहाँ पर ये यह सारे ही टाइप्स के टीथ है सो इट इज ऑल ऑफ दीज वट इज द कलर ऑफ आयोडीन solution इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट इज ब्लू ब्लैक

जो कि हमारे सिंगल सेल में प्रेजेंट होता है रूमिनेंट हैव अ फोर चेम्बर स्टमक स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स केन आई आर यूज फॉर टियरिंग ऑफ फूड येस दिस इज ट्रू हाइड्रा ट्रैप्स फूड विद द हेल्प ऑफ स्टिकी टंग? नहीं, फॉल्स।

जय शेप्ड थिक वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या है चिल्ड्रन ये दिस इज स्टमक द लास्ट सेट ऑफ फोर मोलर्स दैट डेवलप एट द एज ऑफ एटीन इनको हम बोलते हैं विजडम टीथ the process of chewing and mixing the food with saliva in the mouth is a mastication grass eating animals are also called ruminants with this we have come to the end of this chapter hope you have understood this chapter nicely children Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.